क्या उस्मान ने तुम्हारी पेशकश कबूल की? हाय, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। अब एक दूसरे को धोखा दिए बगैर आखिरी बार एक साथ लड़ने का वक्त आ गया है। मुझे इस सरजमीन को गर्म करने के लिए भाषण देनी लकड़ी की जरूरत नहीं है। जब मैं यहां नहीं था तो तुमने खेल खेला और तुम हार गए। अब से सिर्फ तुम मेरी ताकत के तबे हो। अगर तुम फतह चाहते हो तो काला शमन तो गाय के मुंह से निकली हर बात पर पूरी तरह एतमाद करोगे। निकोला एक बड़े हुजूम के साथ आएगा। वो तो आएगा, और तुगाए निकोला की मदद करेगा, यानी वो दोनों मिलकर हमला करेंगे। और वो ये कब करेंगे? पूरे दो दिन के बाद। मुझे मजीद मालूमात चाहिए। तुम्हें ना गोल जाओगे और जो मालूमात हासिल कर सकते हो करोगे। तुम्हें मालूम है मैं वादा पूरा करता हूं। सिपाहियों, सरदारा, सूरत हाल आपके सामने है। अब मुझे बताइए आप सब की राय क्या है? हम उस काफिर निकोला और तुगाए दोनों को बासानी शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन उस्मान साहब बहुत लोग शहीद हो जाएंगे। बहुत से लोग शहीद होंगे बामसी साहब, बहुत से लोग, लेकिन अगर दो लश्कर मुत्तहिद हो गए तो फतह बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। हम या तो इन्हें जाल में फंसा देंगे या फिर एक बाइज्जत मौत पहले से ही हमारी मुंतजर होगी। साउची साहब एक बाइज्जत मौत की बात कर रहे हैं, क्या यह जरूरी है उस्मान साहब? क्या जानबूझ के मौत के मुंह में जाना सही है? तो हमें क्या करना चाहिए? तो क्या हम अपनी इज्जत का पास ना रखें? क्या हम काई मुस्तकबिल दांव पे लगा दें दाऊद साहब? तो क्या काई महाजरीन को हवाले ना करने की वजह से अपनी जानें दे देंगे? क्या हम यही चाहते हैं? तो क्या हम अपनी इज्जत दांव पे लगा दें या हम अपनी जान से हाथ धो बैठे? ये क्या मसला है? ऐसी कौम जो अपनी इज्जत खो दे उस कौम को जीने का हक है क्या? वो कौम के जिसकी कोई इकदार ना हो क्या उनकी रियासत हो सकती है? चाहे दुश्मन चारों तरफ से घेर ही क्यों ना ले, मैं जंग जारी रखूंगा क्योंकि मैं आजाद हूं। जंग जिस कदर तवील होगी फतह भी उतनी ही असीम होगी। बिल्कुल ठीक कहा उस्मान साहब। अब से कोई भी हथियार डालने की बात नहीं करेगा। भाईजान, मलिक की दी गई मालूमात के मुताबिक अपना लश्कर तैयार कीजिए, जंग जारी रखेंगे। जैसा आपको हुक्म उस्मान साहब। ठीक
ठीक है उस्मान साहब। बम्स साहब, बम्स साहब मुझे बताइए हाथ कैसा है? दवा अपना काम कर रही है उस्मान साहब, बहुत तेजी से बेहतर हो रहा है। जिहाद में हम पहली सफों में होंगे अल्लाह के हुक्म से। अभी नहीं बमसी साहब, आप तो मेरा कला है, मेरे कबीले का सुतून है, आपको खोने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। उस्मान साहब, जब मेरे हाथ में काम करना बंद कर दिया था मैं उस वक्त भी जंग में शामिल हुआ, आखिर अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जामुआ कबीले पर हमले की बात कर रहा है, हम लोग अगर यहां नहीं होंगे तो हो सकता है वो हमला कर दे। यही वजह है कि कबीला आपके हवाले है। अगर मेरे सरदार का यही हुक्म है तो मुझे कबूल है, तो ठीक है उस्मान साहब। निकोला बहुत होशियार है, मैं कले से जिंदा वापस नहीं आऊंगा मेरे दोस्त। सिमोन, मुझे मरने की परवाह बिल्कुल नहीं है और मैं तुम्हें इस कबीले से जिंदा निकालने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूं, मगर मुझसे वादा करो मेरे दोस्त, तुम हमारे फर्ज को पूरा करोगे, उस्मान को मार देना। खुदावंद तुम्हारे साथ हो और इंतकाम मेरे साथ हो।